अब जो है हमारे ये एंडोथेलियल सेल्स हैं यहाँ, सही, जब ये डैमेज होगी तो यहाँ नीचे हमारे पड़े होते हैं, यहाँ स्मूथ मसल सेल्स भी होते हैं, सही, कोलेजिन होता है यहाँ, स्मूथ मसल सेल्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारे ये जब एंडोथीलियम है ये रिलीज़ करती है किसको? एंडोथीलिन को। ये तो चलने का नाम ही नहीं है। एंडोथीलिन को रिलीज़ करती है, और जो एंडोथीलिन है वो जाता है, वो हमारी स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है, और इस तरह स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, हमारी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है, सही। तो ये हो रही होती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, पहली बात तो ये वेजो। अब वेस्कुलर स्पैज़म में क्या हो रहा होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वही बात है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसी होती है? एंडोथेलिन से, सही। तो ये क्या है? एक मायोजेनिक मैकेनिज्म है, मायोजेनिक मसल्स इन्वॉल्व हैं। और दूसरी चीज़, अब यहाँ हो गई इंजरी, तो यहाँ रिलीज़ होंगे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जाएंगे, यहाँ हमारी जो है वो न्यूरॉन्स भी होते हैं, सही, जो नर्व्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स वगैरह जो भी हैं, तो ये जाएंगे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, हमारे न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे, जो पेन करवाएंगे आगे जाके। पेन रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो पेन रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन है, न्यूरॉन्स की स्टिमुलेशन है, वो हो गया न्यूरोजेनिक। तो न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म भी हो रहे होते हैं, मायोजेनिक भी हो रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। पहली बात तो ये हो गई, वेस्कुलर स्पैज़म होगा। अब आगे हम चलते जाएंगे तो सेकंड हमारे पास होगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब प्लेटलेट प्लग बनेगा, अब यहाँ ये मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, बाकी बुक से अच्छे से पढ़ते हैं कि प्लेटलेट प्लग बनेगा, यहाँ प्लेटलेट्स आएंगे इस जगह पे, सही, प्लेटलेट्स आएंगे 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 आएंगे। अब यहाँ प्लेटलेट्स आएंगे तो एक लेयर बन जाएगी प्लेटलेट्स की। अब ये प्लेटलेट्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करेंगे जो और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेंगे, दूसरे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया जाएगा, और फिर वो आके इधर लग जाएंगे। तो जो पहली रॉ है प्लेटलेट की, जब ये बनेगी तो इसको हम कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन या एडिजन, मैं भूल गई, इसको शायद हम कहते थे प्लेटलेट एडिजन। तो प्लेटलेट के दो फंक्शन है, एडिजन एग्रीगेशन, तो एडिजन कहते हैं। और जो दूसरे प्लेटलेट्स आके इसके ऊपर लग रहे हैं उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन। तो दूसरी चीज़ हो गई इसमें प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन। जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन। वो सेकेंडरी प्लग कैसे फॉर्म होता है? हमारे पास यहाँ ना फिब्रिन डिपॉजिट होने लग जाते हैं, फिब्रिन मेशवर्क बनने लग जाते हैं, तो उसकी डिपोजिशन जब होती है तो वो हम उसे कहते हैं अब बन गया है सेकेंडरी प्लग बन गया। और क्या होता है उसके अलावा हमारे पास? आगे हम जाएंगे तो अब जब ये प्लग बन जाएगा ना, उसके बाद क्लॉट रिट्रैक्शन होगी और रिपेयर, यानी ये जो प्लेटलेट्स हैं ये इस तरह खींचते हैं एंडोथीलियम को, और जब ये एंडोथीलियम को खींचेंगे इस तरह, ऐसे ऐसे एंडोथीलियम जुड़ेगी, एक यू करेंगे उसको, सही, और बाद में रिपेयर होता है, क्लॉट रिपेयर, यानी अब हमारे पास एंडोथीलियम सही हो चुकी है तो क्लॉट को हटना है, तो ऐसे फैक्टर स्टिमुलेट होंगे जो क्लॉट को डिजॉल्व करेंगे, तो उसको हम कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन और रिपेयर। और थर्ड स्टेप है फिब्रिनोलाइसिस, थर्ड नहीं पता नहीं कौन सा स्टेप है, लेकिन ये फिब्रिनोलाइसिस, यानी जो फिब्रिन बना था वो भी टूटने लग जाएगा, इस तरह क्लॉट की डिसोल्यूशन होती है। इसलिए अब हम इसको बुक से समझते हैं, सही है, ये ओवरव्यू था कह लो ऊपर ऊपर से, सही। तो अब हम बुक से पढ़ते हैं कि हीमोस्टेसिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ब्लड क्लॉट फॉर्म एट द साइट ऑफ द वेस्कुलर इंजरी। हम पढ़ चुके हैं हीमोस्टेसिस इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इज रेंज टू वेरिंग डिग्रीज इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ डिसऑर्डर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब डिसऑर्डर्स की बात करें, हेमरेजिक डिसऑर्डर्स होते हैं, दो डिसऑर्डर्स होते हैं, एक हो गया हेमरेजिक डिसऑर्डर्स, उनकी बात क्या कर रहे हैं, इन हेमरेजिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई एक्सेसिव ब्लीडिंग, हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म आर ईदर ब्लंटेड और इनसफिशियंट टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। अब हमारा चूँकि हीमोस्टेसिस हो रही है तो हमारे पास डिसऑर्डर्स में क्या होता है, या तो ये होता है कि जो हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म है, जो नॉर्मल हीमोस्टेसिस हो रही थी, या तो ये ख़राब हो जाती है, मतलब ये कमज़ोर पड़ जाएगी तब, या ब्लड लॉस यानी इंजरी हमारी इतनी ज़्यादा है कि हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म इस काबिल नहीं है कि वो ज़्यादा सारी इंजरी को
वो कर सके, कॉम्पेंसेट कर सके। तो वही बात हो रही है, या तो हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म ख़राब हो जाएंगे तब हमें डिसऑर्डर्स आएंगे, हेमरेजिक डिसऑर्डर्स यानी ब्लड लॉस के डिसऑर्डर्स, या तो हमारा ब्लड लॉस इतना होगा कि हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म काम नहीं कर पाएंगे, वो इनसफिशेंट हो जाएंगे। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द थ्रोम्बोटिक, अब दूसरे हमारे पास डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स या जिसको हम थ्रोम्बोसिस भी कह देते हैं, इसमें क्या होता है, कोई इंजरी विंजरी कुछ नहीं होती। हेमरेजिक डिसऑर्डर में तो हेमरेज हो रहा था ना, इंजरी वगैरह, इसमें इंजरी नहीं हो रही होती। ऐसे ही हमारे ब्लड में चीज़ों का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो विदाउट इंजरी ही ब्लड क्लॉट जो है वो बनाने लग जाती हैं। अब हम बात करें बाय कॉन्ट्रास्ट इन थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स की, हम बात कर रहे थे कि ब्लड क्लॉट ऑफन रेफर टू एज थ्रोम्बाई, जिनको थ्रोम्बाई कहा जाता है, दे फॉर्म within the intact blood vessels or within the chambers of the heart, सही। तो ये इंटैक्ट ब्लड वैसे में, कोई ब्लड वैसल में कोई इंजरी नहीं है लेकिन फिर भी अंदर बन रहे हैं, कि ब्लड वैसल इंटैक्ट है और उसके अंदर ये बन रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस विद इन द चैम्बर ऑफ द हार्ट, या तो ब्लड वैसल के अंदर बन रहे होंगे या हार्ट के चैम्बर के अंदर, सही, वगैरह 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 एक जरूरी चीज़ है। ऑल्दो यूजफुल, इट मस्ट बी रिकग्नाइज दैट दिस division between the bleeding and thrombotic disorder is sometimes break down paradoxically produces bleeding due to the consumption of coagulation factors such as disseminated DIC. अभी मैं सही से याद भूल गई, मैं लिख लेना चाहिए था कि होता ऐसे कि हमारे पास में जैसे DIC वगैरह कुछ डिजीजेज हो गई, जैसे disseminated intravascular coagulation, इसमें क्या होता है, हमारे पास कोएगुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है अंदर कि कोएगुलेशन के नतीजे में हमारे सारे जो, बहुत धीमी चुकी हैं, मुझे बहुत अच्छे से बात है याद, ठीक है, ऐसा होता है कि हमारे कोएगुलेशन फैक्टर्स जो हैं वो सारे यूज्ड हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा कोएगुलेशन हो जाती है कि सारे क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ यूज़ हो जाएंगे, और जब ये सारे यहाँ यूज़ हो जाएंगे, इधर यूज़ हो रहे हैं सारे, तो ओवरऑल बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिस वजह से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर ही नहीं रहा, तो हमारे डिफरेंट नॉर्मल बॉडी पूरे, मतलब डिसेमिनेटेड मतलब होल बॉडी, इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, तो हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो सारे यूज्ड अप हो चुके हैं। जब वो यूज्ड अप हो जाएंगे फिर क्लॉट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, इन्होंने अपना काम कर दिया, क्लॉट जो है वो डिज़ोल्व हो गया, सही है, तो क्लॉट डिज़ोल्व हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म, तो उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी आ जाएगी हमारे अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज हो चुके हैं, तो जब वो कम हो जाएंगे उस वजह से क्या होगा, उस वजह से होगा ये कि हमारी डिफरेंट जगहों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो चुके हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि दिस डिवीजन बिटवीन द ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर समटाइम्स ब्रेक डाउन, कि जो हमने डिवीजन